शुरुआत मैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी आपके साथ करूंगी। जो स्टेटमेंट शिवानंद तिवारी ने दिया है वो तो आपकी जीत का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर पॉलिटिकल विश्लेषक बिहार को देखता होगा तो कांग्रेस तो कभी थी नहीं बिहार में, कोई उपस्थिति था नहीं, और वो जिसको कहते हैं पिगी राइड करके आरजेडी पर, ऐसा लगा हम लोगों को, जो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है इस पर कोई वो जितना बार्गेन करके उन्होंने जितनी सीटें ले ली, सच ये है कि उनको उन्हीं सीटें आई, ये भी फैक्ट है। और फिर अगर आरजेडी के नेता कोई कहते हैं कि ये मन से काम नहीं किए, चलिए मन से भी काम करते तो भी परिणाम बहुत फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि कांग्रेस का बिहार में कुछ है नहीं। तो वैसी स्थिति में स्वाभाविक तौर से अब विश्लेषण है, जो 3 दिन पहले एग्जिट पोल हुआ तो उसमें तो सब लोग खुश थे, फिर उसके बाद पत्रकार लोग जो 12 बजे तक टेलीविजन चैनल पर देश को समझा रहे थे, बड़े बड़े विश्लेषक, कि देखिए ऐसे हो रहा था ऐसे हो रहा था, वो भी चले गए। और अब विश्लेषण आ रहा है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, तो विश्लेषण का दौर जारी है। हमें तो खुशी है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, एक अच्छी बहुमत है। कोई कह रहा था कि चोरी की बहुमत, भगवान जाने ये चोरी की बहुमत क्या होती है, बहुमत बहुमत होती है, चोरी की बहुमत क्या होती है मैं नहीं समझ पाया। लेकिन कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन जाहिर है, और कांग्रेस 48 घंटे चुनाव के परिणाम के पहले बहुत अपबीट थी, उनको लग रहा था कि जादू हो गया, पर बिना मेहनत का राजनीति में जादू तो होता नहीं, और इसीलिए आज परिणाम भी जो दिख रहा है। तो अगर उनके घर में या शिवानंद जी ने बयान दिया हो या तेजस्वी जी का कुछ दुख हो तो स्वाभाविक है, ये लोग तो वैसे भी पॉलिटिकली कांग्रेस बिहार में असंदर्भित है और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बिहार से आगे बढ़ते हैं, अगर इसी बात को राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय पटल पर इसकी बात की जाए, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन किया बाकी दलों के साथ और आपके साथ वो चुनाव में मैदान में उतरे, वहां पर भी जिस तरह की सूरत दिखाई दी, देखिए सोशल मीडिया पर हालांकि मजाक सही चाहे कांग्रेस पार्टी पर तंज किए जा रहे हो, राहुल गांधी की लीडरशिप पर तंज किए जा रहे हो, लेकिन इसी बात को अगर गंभीरता से लें तो विपक्ष का कमजोर होना या सीधे सीधे जब राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी तस्वीर बनती है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम लोग कोई स्वाभाविक है, वो मेरा प्रतिपक्ष है, 60 साल उन लोग देश की राजनीति पर रहे, कई प्रधानमंत्री उनके रहे, और हमें मौका मिला है तो निश्चित रूप से उनके नीतियों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। और वैसे भी दुर्भाग्यपूर्ण रहता है 50 या 52 कितने बैठते हैं लोकसभा में, कोई सीट पर ही नहीं दिखता है, इनका हताशा इतना है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि प्रतिपक्ष रहे, प्रधानमंत्री जी भी चाहेंगे प्रतिपक्ष रहे, लेकिन अगर प्रतिपक्ष खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हो और खुद ही उस डाल पर जिस पर बैठा हो उसको काट रहा हो तो उसके लिए उसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन हम तो उनके खिलाफ बोलेंगे ही, जो देश के राजनीति में देश के हित में नहीं बात करेगा और देश की जनता के साथ जिसका मन नहीं होगा या उसके साथ जुड़ाव नहीं होगा, तो हम लोग तो बताएंगे, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एजेंडा पर देश की राजनीति कर रहे हैं, और आप लोग उसको किसी भी तरह से विश्लेषण करें, हमारा एजेंडा पॉजिटिव है। ठीक है।